हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हम लोग यूनिट 10 मेजरमेंट पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग क्लास 11 की शुरुआत करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, यूनिट 10 मेजरमेंट का पहला पॉइंट क्या है? नीड फॉर मेजरमेंट। ठीक है ना, अगर आपसे कोई पूछे कि हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, तो मेजरमेंट की जरूरत पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत है यह जानना कि फिजिक्स क्या होता है। ठीक है ना, हिंदी में आपको पता है फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान। ठीक है ना, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान हम इसे कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? हम यह कह सकते हैं कि फिजिक्स विज्ञान यानी साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम नेचर और नेचुरल फेनोमेनास के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है ना, हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों है? तो देखिए, नेचर में मौजूद ढेर सारी नेचुरल फेनोमेनास यानी बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जिनका अध्ययन करते हैं हम फिजिक्स के अंतर्गत। अब उन नेचुरल फेनोमेनास को अगर मुझे मापना पड़ जाए कि ये नेचुरल फेमना है या जो नेचुरल प्राकृतिक परिस्थिति है, ये प्राकृतिक परिस्थिति जो है इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसकी मात्रा कितनी है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू में आपको रिप्रेजेंट करना है, तो उसे हम मेजरमेंट की मदद से यानी मापन की मदद से उस नेचुरल फेनोमेना के बारे में बता सकते हैं कि उसकी मात्रा कितनी है, ज्यादा है या कम है। तो फिजिक्स के अंदर होने वाली किसी भी नेचुरल फेनोमेना के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं और वो प्राकृतिक परिस्थिति जो है, वो प्राकृतिक परिस्थिति का मापन मुझे करना है यह पता लगाने के लिए कि कोई भी प्राकृतिक परिस्थिति या नेचुरल सर्कमस्टांसेस जो है या नेचुरल फेनोमेना है, ठीक है, वो कितना है, ज्यादा है या कम है, हमें इस बात की जरूरत है कि हम उसे मेजर करें, मापे। और यहाँ पर मेजरमेंट पूरी तरह से सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे मेजर करने का जो तरीका है यानी हमारी जो एक्यूरेसी है वो कैसी है, हमारी एक्यूरेसी अच्छी है या बुरी है, ठीक है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस नेचुरल फेनोमेना के बारे में आप कितना बता सकते हो। तो यहाँ पर मेजरमेंट के लिए हमें एक सही तरीका पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सही तरीके से आप मेजरमेंट करोगे तभी आपको नेचुरल फेनोमेना जो है वो एक्यूरेट आपको मिलेगा या उसकी एक्यूरेसी आपको देखने को मिलती है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि व्हाई डू वी नीड मेजरमेंट, हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों होती है। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी नेचुरल फेनोमेना को मेजर करने के लिए हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और यह मेजरमेंट इस बात पर निर्भर करती है या जो मापन हम करते हैं इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा मापने का तरीका क्या है। अब जैसे मान लो कि अगर किसी गन से अगर आप गोली फायर करते हो तो वो गोली जो है टारगेट पे जाके टकराएगा, वो कई सारी बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, कई सारी परिस्थितियों पर निर्भर होता है वो कि वो गोली जाके टारगेट को हिट करेगा या नहीं करेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, आपके पास गन है और उसमें गोली है आपने लोड किया, आप स्नाइपर हो, स्नाइपर अगर किसी टारगेट पे शूट करता है, जैसे मान लो 1 मील तक की दूरी तक अगर मुझे शूट करना है, तो आप शूट करने से पहले आपको बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होता है, ठीक है, आप क्या क्या ध्यान रखोगे, पृथ्वी का घुमाव क्या है, रोटेशन ऑफ अर्थ क्या है, इसके साथ साथ आप ये देखोगे हवा की नमी क्या है, ठीक है, हवा में नमी कितनी है, इस बात का भी ध्यान रखते हो कि हवा की रफ्तार क्या है, ठीक है, तो बहुत सारी बातों को हम ध्यान में रखते हैं। और इन सब बातों को ध्यान में रखने के बाद हम क्या करते हैं, हम इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फिर हम यह पता लगाते हैं कि वो गोली जो है वो अपने टारगेट को शूट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना, इसमें ग्रेविटी भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ग्रेविटी का। तो अभी हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो बात आती है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज की। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? यानी भौतिक राशियां जो है, भौतिक राशियां हमें किन्हें कहते हैं, तो एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है ना, कोई भी एक ऐसी नेचुरल फेनोमेना, प्राकृतिक परिस्थिति जिसका मापक मापन किया जा सके, ठीक है ना, कोई भी एक ऐसी नेचुरल फेनोमेना जिसको मेजर किया जा सके, ठीक है ना, जिसको मापा जा सके, तो उसे हम फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं हम लोग, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी, अब जैसे मैं बात करूं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मैंने आपको कहा कि एक ऐसा प्राकृतिक परिस्थिति या नेचुरल फेनोमेना जिसको आप मेजर कर सके उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब जैसे किसी ने मुझे 2 थप्पड़ मारा, ठीक है ना, 2 थप्पड़ मुझे बहुत गुस्सा आया, ठीक है, लेकिन मैं इस गुस्से को मेजर नहीं कर सकता, गुस्सा ज्यादा आया, गुस्सा कम आया, ठीक है। किसी ने मुझे चॉकलेट दे दिया, मुझे खुशी हुई, खुशी हुई तो बहुत ज्यादा खुशी हुई या बहुत कम खुशी हुई, तो आप यहाँ पर खुशी, दुख, इमोशंस को आप मेजर नहीं कर सकते हो, तो मैं इसे फिजिकल क्वांटिटी नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने मुझे मुक्का मार दिया, ठीक है, कितना तेज मुक्का मारा या कितना धीरे मुक्का मारा, कितना फोर्स लगाया, चाटे का फोर्स कितना है, यह अगर मुझे पता करना हो तो वो मैं मेजर कर सकता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी भी ऐसी वस्तु को आप मेजर कर सको, ऐसी किसी भी राशि को अगर आप मेजर कर सको तो उसे हम फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं या हम भौतिक राशियां उसे हम कहते हैं।
अब अगर हम बात करें कि फिजिकल क्वांटिटीज हैं कितने तरह के, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, एक होती है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक होती है आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, हम उन राशियों को फंडामेंटल क्वांटिटीज हम कहते हैं जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वह क्वांटिटीज होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसे हम लोग इंडिपेंडेंट मानते हैं, ठीक है ना। वो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, हमारे पास है फोर्स, ठीक है ना। तो फोर्स को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको चाहिए फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आप पढ़ चुके हो कि अगर आपके पास फोर्स निकालना है तो आपको क्या चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन चाहिए। यानी कि फोर्स क्या है, एक भौतिक राशि है ना, फिजिकल क्वांटिटी है, और ये फिजिकल क्वांटिटी जो फोर्स है इसको मेजर करने के लिए मुझे जरूरत किसकी है, मास की जरूरत है और एक्सेलरेशन की जरूरत है। यानी कि यहां पर मैं यह कह सकता हूं कि एक भौतिक राशि जो दो अलग अलग भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट है, किस पे, मास पे डिपेंडेंट है और एक्सेलरेशन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं कह सकते। इन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज हम क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि यह एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर तो किया जा सकता है लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे। और वो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी कौन है, तो वो है आपका मास और फिर है आपका एक्सेलरेशन। ये दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि फिर मास जो है ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो मास भी किसी बात पे डिपेंड करता है क्या, किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे मास भी डिपेंड करता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करता है। मास किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। अब आपको मास कैलकुलेट करना है तो किसी दूसरे का शक्ल नहीं देखना है कि भैया वो आएगा तभी हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मास क्या है, मास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, अलग भौतिक राशियों पर डिपेंड नहीं करता है। अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स जो है मास और एक्सेलरेशन इन दोनों पर डिपेंड करता है। तो ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो ऐसे जितने भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं, ऐसी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं, जिन्हें हम इंडिपेंडेंट ट्रीट करते हैं, जिन्हें हम इंडिपेंडेंट मानते हैं, तो उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज के कुछ एग्जांपल्स अगर मैं कहूं कि जिसे एक्सप्लेन करने के लिए मुझे किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब जैसे मान लो टाइम, टाइम को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे किसी दूसरी नेचुरल फेनोमेना की जरूरत नहीं है, किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। मास, जैसे अभी मैंने आपको बताया, मास को मेजर करने के लिए आपको किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो है आपका वो है लेंथ, लेंथ को मेजर करने के लिए भी हमें किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेंथ क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब इसके अलावा और भी होते हैं चार, आगे हम देखेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज एक्सप्लेन करेंगे। अभी एग्जांपल में आप देख लीजिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज वह क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए मुझे किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। अब आप फिजिकल क्वांटिटी में तो कंफ्यूज नहीं हो रहे ना कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको बताया था, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी जो है वो नेचुरल फेनोमेना को हम कहते हैं, ठीक है ना। प्रकृति में होने वाली अलग अलग सर्कमस्टेंसेस को हम फिजिकल क्वांटिटी नाम देते हैं। अब जैसे प्रकृति में क्या क्या होता है, तो प्रकृति में फोर्स होता है, ठीक है, एनर्जी है, ठीक है, फोर्स, एनर्जी, वर्क, मास, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है। ये सारी भौतिक राशियां जो है ये प्राकृतिक परिस्थितियां हैं जिन्हें हम एक्सप्लेन करते हैं फिजिक्स के नियम की मदद से, ठीक है, या जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी कोई क्वांटिटी, ऐसी कोई राशि जिसको आप मेजर कर सकते हो तो आप उसे फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हो, ठीक है, इन्हें हम मेजर कर सकते हैं, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब सवाल ये है कि फिर मास जो था वो तो हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि इसे एक्सप्लेन करने के लिए मुझे किसी और की जरूरत नहीं थी, लेकिन फोर्स को जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो मुझे मास की मदद लेनी पड़ रही थी और उसके साथ साथ एक्सेलरेशन की मदद लेनी पड़ती थी। तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, आप उसके बिना नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो। फोर्स को एक्सप्लेन करना है तो आपको मास एंड एक्सेलरेशन की मदद आपको लेनी ही पड़ेगी। तो किसी भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि इंडिपेंडेंट ना हो, जो कि डिपेंडेंट हो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर, तो उसे हम डिराइव्ड क्वांटिटीज का नाम देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं,
उसे हम डिराइव्ड क्वांटिटीज का नाम देते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? डिराइव्ड क्वांटिटीज वह क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, फोर्स। फोर्स जो है किस पे डिपेंड करता है? किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब जैसे वर्क की बात करते थे, तो वर्क जो है किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे डिपेंड करता है और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिराइव क्वांटिटीज वह क्वांटिटीज होती हैं, वह राशियां होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद लेनी पड़ती है। ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है, जबकि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने तरह की होती हैं? 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, 7 टाइप्स की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। अब ये 7 तरह की जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इन्हें हम बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं, ठीक है ना। ये इंडिपेंडेंट होती हैं, इन्हें एक्सप्लेन करने के लिए मुझे किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए हम इन्हें बेस क्वांटिटीज कहते हैं। ये टोटल 7 होती है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट है मेजरिंग प्रोसेस। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि को अगर आपको मेजर करना है, तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का तरीका क्या होता है? अब जैसे सपोज करो कि मुझे पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक की लेंथ मुझे फाइंड करना है, कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक की लेंथ क्या है, ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक की जो लेंथ है वो क्या है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की दूरी जो है यानी लेंथ है, उसको फाइंड करने का एक तरीका है। तरीका ये है कि आप एक यूनिट बना लो, ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड दूरी पहले से सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड दूरी जो है, जो आपने सेलेक्ट किया है, इसे आप नाम दे दो पी और क्यू, ठीक है। और इसे मैंने कह दिया कि इतनी दूरी को, मतलब पी से बी क्यू तक की जो दूरी है उसे मैं 1 मीटर कहूंगा। तो अब सवाल ये कि पहले से मैंने लेंथ की एक छोटी सी यूनिट मैंने बना ली है पी से क्यू तक की दूरी, जिसे मैं 1 मीटर कहता हूं। अब मुझे करना क्या है कि ए से बी तक की दूरी फाइंड करना है, तो कौन सा मेजरिंग प्रोसेस को मैं यूज करूंगा कि ए से बी तक की दूरी मुझे मिल जाएगी? तो सिंपल सा एक ही प्रोसेस है। मुझे करना क्या है कि आप पी से क्यू तक की जो दूरी जो पहले से तुमने मान रखी थी, जो फिजिकल क्वांटिटी की लेंथ तुमने मान रखी थी, उसको आप क्या करो, ए से बी तक के बीच में रखते जाओ और देखो कि कितनी बार आप रखोगे कि वो इसके बराबर हो जाएगा या कितना हो रहा है। जैसे मान लो कि मैंने एक बार इसको रखा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक बार रखने के बाद फिर मैं एक बार और रखता हूँ, ठीक है, दो बार मैंने रख दिया, एंड देन फिर मैं और एक बार रखता हूँ, जो कि आधा बार हो रहा है, पूरा बार नहीं कंप्लीट हो रहा है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, आप यह देखोगे कि जब मैंने PQ लेंथ को जब A से B के ऊपर मैंने रखना शुरू किया, तो आपने क्या देखा, आपने यह देखा कि जब आपने इसे ढाई बार रखा ना, ढाई बार रखने के बाद फिर क्या होता है, ये AB के बराबर लेंथ देता है हमें। तो बेसिकली हमने किया क्या यहां पर, तो बेसिकली हमने ये किया कि मेरे पास पहले से एक स्टैंडर्ड दूरी थी, ठीक है ना, पहले से एक स्टैंडर्ड दूरी थी जिसे मैंने इकाई या यूनिट मैंने कहा, जिसे मैं 1 मीटर कह रहा हूं। इस स्टैंडर्ड दूरी को मैं जिस डिस्टेंस को मेजर करना था उसके पास में ले जाता हूं और कई हिस्सों में रखता हूं, और उसके बाद मैं कहता हूं कि ये जो पहली वाली जो स्टैंडर्ड मेरी यूनिट थी ना, उसका 2.5 गुना ज्यादा है ये, ठीक है ना। पी क्यू का क्या है, 2.5 गुना ज्यादा है, 2.5 टाइम्स ज्यादा है। तो बेसिकली हमने यहां पर किया क्या, बेसिकली हमने यहां पर किया कंपैरिजन, ठीक है ना। सेम फिजिकल क्वांटिटी की एक छोटी सी डिस्टेंस लेके मैंने बड़ी वाली डिस्टेंस के साथ साथ सजा दिया, और मैंने ये कहा कि जो छोटी वाली तुमने दूरी ली थी ना, उसका 2.5 गुना जो है वो बड़ी वाली दूरी है। तो बेसिकली हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर कंपेयर किया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि द मेजरिंग प्रोसेस क्या है, तो मेजरिंग प्रोसेस एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के साथ उस डिस्टेंस को या उस फिजिकल क्वांटिटी को जिन्हें हम मेजर करना है, हम उसका कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन करने के बाद हम बताते हैं कि हमारा लेंथ कितना है, ठीक है ना। बेसिकली इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहां पर अब मैंने क्या कहा कि PQ की लेंथ जो थी वो 1 मीटर थी, तो चलो इसका यूनिट जो है वो मीटर हो गया। अब 1 मीटर जो लेंथ थी उसका कितना टाइम्स जो है ए से लेके बी तक का था, तो वो था आपका 2.5 टाइम्स। तो मैंने क्या कह दिया कि ए से बी तक की जो दूरी थी वो कितनी है, 2.5 मीटर है। सिंपल, मीटर क्या था, मीटर जो था एक पहले से स्टैंडर्ड डिस्टेंस हमने चूज करी थी फिजिकल क्वांटिटी के, सेम फिजिकल क्वांटिटी के। लेंथ को मेजर करना है तो आपको स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ का ही लेना है, अब ऐसा नहीं कि तुम जाके मास का ले लेना, ठीक है। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी की एक पहले से स्टैंडर्ड वैल्यू आप ले लो, और उस स्टैंडर्ड वैल्यू की मदद से अभी जो तुम्हारे पास फिजिकल क्वांटिटी आई है उसकी
कंपैरिजन करो, और कंपैरिजन करने के बाद आप यह बताओ कि वो लिए गए स्टैंडर्ड वैल्यू से कितना गुना ज्यादा है, ज्यादा है या कितना गुना कम है। तो ये एक बेसिक क्या है, कंपैरिजन का प्रोसेस है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि पी से बी क्यू तक की जो दूरी थी, इसे मैंने कह दिया कि ये 1 मीटर है, ठीक है, और इसको जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ ए से बी तक की दूरी का, तो ये 2.5 टाइम्स आ रहा है। तो मैंने क्या कह दिया कि द लेंथ ऑफ ए बी इज 2.5 मीटर, ठीक है ना। ए से बी तक की जो दूरी है वो क्या है, 2.5 मीटर है, एंड ये बहुत ही आसान था। तो बेसिकली आपने यहाँ पर जब आपने मेजरिंग प्रोसेस किया, उसमें आपने दो बातें देखी। पहली बात क्या देखी, आपने देखी द यूनिट ऑफ क्वांटिटी, ठीक है ना। पहली बात आपने क्या देखी, द यूनिट ऑफ क्वांटिटी। अब यहाँ पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी हमने क्या लिया, पी से क्यू तक की दूरी को हमने मीटर कहा, ठीक है ना। पी से क्यू तक की एक डेफिनेट लेंथ को हमने मीटर कहा, तो ये एक यूनिट है। और इस यूनिट की के सामने क्या आ रहा है आपका, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये 2.5 है, ठीक है ना, 2.5 है। अब जैसे मान लो कि मेरे को अगर किसी ने कह दिया कि ए से बी तक की जो है डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है, हम बोले चलो हो जाएगा, हम कैसे करेंगे, तो अपना बड़ा सा स्केल निकालेंगे और स्केल से क्या करेंगे, हम उसको कंपेरिजन करेंगे कि उसके टाइम्स कितना है। तो जब मैंने स्केल को ड्रॉ किया तो मैंने क्या देखा कि मेरा जो पहले वाला से जो मैंने फिजिकल क्वांटिटी ले रखा था, जो स्टैंडर्ड मैंने ले रखा था मेजर करने के लिए PQ, वो PQ जो है AB के बराबर है। अब PQ जब AB के बराबर है तो अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो आपको पता है कि मेजरमेंट का यूनिट जो PQ हमने लिया था उसे हम मीटर कहते थे, और जब दोनों सेम है तो इसके सामने 1 रख दो, यानी कि दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अगर इसका डबल होता, इक्वल नहीं होता, डबल होता, सपोज करो कि डबल होता, तो डबल होता सी तक, तो मैं यहां पर क्या रख देता, यूनिट तो वही होता, PQ की डिस्टेंस का मीटर होता, लेकिन जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1 की जगह पर 2 हो जाता, यानी कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू हमने चूज किया था उसका 2 टाइम्स जो है हमारा लेंथ है। तो ये क्या था, एक कंपेरिजन प्रोसेस था। यही एक मेजरिंग प्रोसेस हम यूज करते हैं। मेजरमेंट में दो ही चीज होता है, एक तो क्वांटिटी का यूनिट, जो स्टैंडर्ड यूनिट हमने पहले से सेलेक्ट किया है जैसे मीटर, और न्यूमेरिकल वैल्यू जो उसके सामने आप रखते हो और आप बताते हो कि चूज किए गए स्टैंडर्ड वैल्यू का ये कितना गुना ज्यादा है या कितना गुना कम है, ये आपको बताता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि मेजरमेंट किसी भी चीज का अगर करना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, ठीक है। और उस यूनिट को जैसे मैंने यहाँ पर क्या कहा कि मीटर जो पहले से एक स्टैंडर्ड हमने यूनिट लिया था, और इसके सामने कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए जो कि है 2.5, ठीक है। तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा 2.5 मीटर, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है, साइज ऑफ यूनिट, जो यूनिट तुमने चूज किया है जिससे कंपेयर आप करोगे उसका साइज क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब यहां पर आपने क्या देखा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी यानी क्यू को मेजर करने के लिए आपको पता होना चाहिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू यानी एन, और इसके साथ साथ उस फिजिकल क्वांटिटी की पहले से एक डिसाइडेड यूनिट जो कि है यू, यानी कि क्यू इज इक्वल टू, मैं क्या कह सकता हूँ, एन यू। यहाँ पर एन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, एन यू क्या है, यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी विच इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन, ठीक है ना। कंपैरिजन करने के लिए जिसका हम उपयोग कर रहे थे वो यू को हम कहते हैं, तो क्यू इज इक्वल टू आपका एन यू हो गया। तो बेसिकली अगर हम इसका एग्जाम्पल अगर लें, सपोज करो कि मेरे पास एक स्टिक था जो 5 मीटर की दूरी का था, 5 मीटर लंबाई का था, मेरे पास एक डंडा था जो 5 मीटर लंबा था, तो 5 मीटर यहाँ पर लंबा था, तो आपने मीटर लगाया ना। अब आपको पता है कि मीटर क्या होता है, तो P से लेके Q तक की जो दूरी हमने पहले से जो फिक्स करी थी वो मीटर कही जाती है, इतनी डिस्टेंस मीटर हम कहते हैं। और 5 मीटर का मतलब क्या है कि ऐसी 5 दूरियां, ठीक है ना, ऐसी 5 दूरियां, 5 डिस्टेंसेज, ऐसे एक के बाद एक ऐसे करके 5 कर दिया मैंने, ठीक है। यानी कि जो आपकी स्टिक की लंबाई है वो कितनी है, तो हमारे स्टैंडर्ड वैल्यू का 5 गुना, ठीक है ना, हमारे यूनिट का क्या है, 5 गुना है, ठीक है। तो इसे हम 5 एम कहते हैं। अब सपोज करो कि किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए सिर्फ एक ही यूनिट तो होगा नहीं। अब जैसे कोई कोई मीटर में मेजर करता है, तो कोई सेंटीमीटर में भी तो मेजर करता है, तो सेंटीमीटर क्या है, तो मैंने कह दिया कि सेंटीमीटर जो है वो R एंड S के बीच की जो दूरी है उसे हम सेंटीमीटर कहते थे। ये मैंने एक स्टैंडर्ड यूनिट बना लिया, कितनी ही दूरी को मैं सेंटीमीटर कहूंगा। तो अगर मैं कहूं कि 500 सेंटीमीटर मेरे पास है, ठीक है, तो 500 सेंटीमीटर क्या है, अगर मैं छोटी दूरी लेता हूं तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रहा है यहाँ पर, आप देख लो। अगर मैं 5 मीटर को चेंज करता हूँ सेंटीमीटर में, तो आपको पता है कि ये 500 सेंटीमीटर के बराबर होता है,
यहाँ पर जो यूनिट हमने चूज किया था मेजरमेंट के लिए मीटर, वो ज्यादा लंबाई था, पी से लेके क्यू तक की जो दूरी थी बड़ी दूरी थी। और यहाँ पर जो मैंने सेंटीमीटर चूज किया यूनिट के लिए, वो दूरी जो है वो क्या है, कम है। तो सेंटीमीटर इज ए स्मॉल डिस्टेंस, जो यूनिट हमने चूज किया वो स्मॉल डिस्टेंस है, और जो मैंने मीटर चूज किया वो क्या है, एक लार्ज डिस्टेंस है। तो अगर यूनिट आप लार्ज लेते हो तो उसके सामने आने वाली न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होती है, और अगर आप यूनिट ही छोटा ले लोगे तो उसके सामने आने वाली न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, आप यह लिख सकते हो कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यानी कि एन, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, यूनिट के। मतलब अगर आप यूनिट बड़ी ले लोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और यूनिट ही आप छोटी ले लोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। सेंटीमीटर ले लोगे तो उसके सामने नंबर ज्यादा हो जाता है, मीटर ले लोगे तो उसके सामने नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि वो तो ठीक है सर, समझ में आ गया कि चलो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है अगर ज्यादा है इसका मतलब यूनिट मैंने छोटा लिया है, और न्यूमेरिकल वैल्यू अगर कम है इसका मतलब यूनिट मैंने बड़ा लिया है, तो क्या एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में अगर आपको कन्वर्ट करना है, सपोज करो कि पहले मेरा मीटर में था और इसे जो है हम सेंटीमीटर में चेंज कर रहे थे, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर होते हैं तुमको पहले से पता है, तो मैंने लिख दिया। यहाँ पर जो मीटर है यूनिट है, इसे मैं कहता हूँ U1, और इसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे हम कहते हैं N1। यहाँ पर जो सेंटीमीटर ये सेकेंड यूनिट है, इसे मैं कहता हूँ U2, और इसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे मैं कहता हूँ N2। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में अगर आपको चेंज करना है तो आप N1U1 = N2U2 का एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, ठीक है ना। N1U1 = N2U2, क्लियर है। N1U1 = N2U2 का आप यूज कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं।